रितेश पांडे का एक गाना लॉकडाउन में लूडो इन दिनों काफी पॉपुलर हो रहा है, और ये साथ में एक पिक्चर भी जहां वो एक लड़की के साथ शादी के जोड़े में नजर आ रहे हैं। अब लोगों का ये कहना है कि चोरी चोरी चुपके चुपके और लॉकडाउन के सिचुएशन का फायदा उठाते हुए रितेश पांडे ने कर ली है शादी। जी हाँ, और अब अपनी शादी की फोटो वो खुद मीडिया में वायरल कर रहे हैं। तो आपको हम बता दें कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। ये तो सच है कि आजकल रितेश पांडे छाए हुए हैं अपने गानों को लेकर, लेकिन ये सरासर गलत बात है और अफवाह है कि रितेश पांडे ने शादी कर ली है। जी हाँ, अगर रितेश पांडे ऐसा करते हैं तो भाई सबसे पहले वो अपने फैंस को बताएंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत खबर है। अब मीडिया में जो फोटो सर्कुलेट हो रही है उसमें रितेश पांडे और हीरोइन यामिनी सिंह है। जी हाँ, और ये पिक्चर जो है उनकी एक फिल्म सरफरोश की है। जी हाँ, जो आजकल खूब सर्कुलेट की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि रितेश पांडे ने शादी रचा ली है। बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, ये उनके एक फिल्म की फ़ोटो है और किसी फैंस ने उनकी ये फिल्म की फ़ोटो जो है वो मीडिया में अपलोड कर दी और लोगों को लगा कि रितेश पांडे ने शादी कर ली है। उसके पीछे एक रीज़न ये भी है क्योंकि रितेश पांडे के साथ इस पिक्चर में जो लड़की यानी कि जो हीरोइन है यामिनी सिंह, उनकी साइड फोटो ली गई है। इससे ये पता ही नहीं चल पा रहा है ये यामिनी सिंह है। लोगों को लगा कि ये भाई रितेश पांडे के पत्नी हैं। तो भाई जब भी रितेश पांडे शादी करेंगे इस तरह से चोरी चोरी चुपके बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, हमें भी पता है कि रितेश की मम्मी डैडी और उनके घर के कई सदस्य ये चाह रहे होंगे कि रितेश पांडे जल्द से जल्द शादी कर लें, लेकिन अब रितेश पांडे हैं कि देखिए कब वो शादी करते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।